देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हर वक्त जो है एक ऐसे टूल को तलाशता रहता है जो कि उसके बिजनेस को ग्रो करने में उसकी मदद करे। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 360 डिग्री एक फाइनेंशियल एडवाइजर के या इंश्योरेंस एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर के बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत मजा आएगा आपको इस टूल के बारे में जानने के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मेरे साथ में दो गेस्ट हैं जिनमें से एक मिस्टर समीर मेहता जी हैं। समीर मेहता जी पिछले 8 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में है, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में है। और मेरे साथ में मिस्टर नवीन चंद जैन जी हैं जो कि पिछले 35-36 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में हैं और इंश्योरेंस में अगर बोलूं तो मल्टीपल TOT करते हैं। बहुत बड़ा इनका इंश्योरेंस का काम है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम है। तो दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपको दो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सुनने का और उनको जानने का मौका मिलेगा। और समीर मेहता जी और नवीन चंद जैन जी मुझसे ये जो टूल मैं बोल रहा हूँ इस टूल के बारे में प्रश्न करने वाले हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर देते देते आपको ये टूल जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस टूल का नाम है BITV 5-year गोल्ड मेंबरशिप। तो इसके बारे में डिस्कशन जो है, सबसे पहले समीर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं ये बोलता हूं, क्योंकि अभी आपको भी पूरी तरीके से नहीं पता है, नवीन चंद जी आपको भी पूरी तरीके से नहीं पता है, तो आप प्रश्न पूछिए मुझसे, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? सर, आप अभी जो टूल के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि आपने बताया कि 5-year गोल्ड मेंबरशिप, ये 5-year गोल्ड मेंबरशिप क्या है, उसके ऊपर कुछ हाइलाइट्स करेंगे सर? देखिए, अब फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो करीबन 20 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। और इन 20 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र को अपग्रेड करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट हैं या गुरु हैं या टूल्स हैं जो कि इनको मदद करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और वो कामयाब होते हैं। लेकिन एज अ BITV इन फाइनेंशियल एडवाइज़र को अलग क्या दे सके, एक अलग चीज़ क्या दे सके, इस पर हम सोच रहे थे, काम कर रहे थे और शुरू से हमने उस पर ही काम किया। जैसा कि जानते हैं कि वीडियोज़ बनाना ये तो बहुत अलग चीज़ थी, यहाँ पर तो हमने फाइनेंशियल एडवाइजर का काम किया, लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि एक लेवल तक पहुंच गया है, वो TOT हो गया है या MDRT हो गया है या MDRT नहीं भी है, लेकिन उसकी सोच है कि मुझे भारत देश का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, मुझे वो लेवल पे जाना है। मैं हूँ छोटा फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं हूँ MDRT, मैं हूँ TOT, मैं कोई भी लेवल, लेकिन मुझे वो लेवल पर जाकर जाना है। इसके लिए तो कोई टूल किसी ने बनाया नहीं या किसी ने ऐसा सोचा नहीं, तो हमने उस पर सोचा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करें, छोटा नहीं बड़ा का सोचते हैं। तो ये जो BITV गोल्ड मेंबरशिप है, ये हकीकत में वो सारी चीज़ें कराती हैं जो कि भारत देश का टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर कर रहा होगा, शायद नहीं भी कर रहा होगा, ऐसी भी कुछ चीज़ें हमने इसमें जोड़ दी हैं। तो द पर्पस ऑफ दिस BITV गोल्ड मेंबरशिप इज टू गिव अ टूल टू फाइनेंशियल एडवाइजर जो उसको टॉप लेवल पे लेके जाने का काम करेगा। दैट इज द पर्पस। थैंक यू सर, आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। एब्सोल्युटली सर। नवीन चंद जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है? मेरे मन में सवाल आ रहा है कि BITV का गोल्ड मेंबरशिप में आप क्या चीज दे रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी में समझ सकता हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एक टॉप लेवल का फाइनेंशियल एडवाइजर उसको बना सकता है, भारत देश का नंबर वन फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सबसे पहली चीज, हर महीने में एक बार एक फुल डे का सेशन होगा उनके साथ में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, हर महीने में एक बार, जिसमें कि हम जो है किसी पुस्तक को उठाएंगे, भारत दुनिया की सबसे फेमस पुस्तक जिससे कुछ बिजनेस नॉलेज मिलता हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उस पूरी बुक को जो भी हमारे साथ में गोल्ड मेंबर है उनको जो है चटा देंगे, उसको हर महीने में उसको चटा देंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसका केस स्टडी भी करा लेंगे, उसको पूरा सिखा भी देंगे, उसका बॉडी पार्ट बना देंगे। दैट इज़ द नंबर वन। नंबर टू इज, आपने गौर किया होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो टॉप एडवाइजर हैं भारत देश के, वो मीडिया में आते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं। हम भी उनका हर महीने में एक बार इंटरव्यू लेंगे। हर महीने में एक इंटरव्यू होगा,
उसको प्रोफेशनली एडिट करके बीआई टीवी के चैनल पर पब्लिश किया जाए। नंबर टू। नंबर थ्री, साल में दो बार हम किसी फाइव स्टार होटल में मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, साल में दो बार किसी फाइव स्टार होटल में मिलेंगे, और वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंबर्स मिलेंगे, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हम प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया से, और उनके साथ में हम जो है, जो हाल ही में हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया, इसी प्रकार से हम एक सेशन करेंगे। तो ये तीन चीज़ें करेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम सिर्फ एक बार मिलके चले नहीं जाएंगे, हम रेसिडेंशियल फाइव स्टार होटल में प्रोग्राम भी करेंगे साल में एक बार। वाह सुपर। किसके साथ? दुनिया के सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, चौथी चीज। और पांचवी चीज, हमने, हमको मिलीनियर सक्सेसफुल या पैसे वाले लोग हमारे कस्टमर बने, इसके लिए हमने एक द मिलीनियर क्लब नाम से एक कम्युनिटी बनाई है। वो कम्युनिटी में ऐसे लोग आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, 50 लाख के ऊपर कमाने वाले लोग उसमें आएंगे। तो द मिलीनियर क्लब की ओनरशिप, अभी एक मेंबर है, फॉर एग्जांपल आप मेंबर हैं, तो आपको उसकी ओनरशिप दे देंगे, और अब आपके मिलीनियर क्लब में जो लोग जुड़ेंगे वो सिर्फ 50 लाख के ऊपर जो पैसा कमाते हैं वही लोग उसमें आ सकते हैं। Okay. कई सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि क्या दे रहे हैं, बाकी अंदर धीरे 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 तारें खुलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें, आपका जो प्रश्न है कि भाई इसमें क्या दे रहे हैं, तो ये जो पांच चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये पांच चीज़ें हमने इंक्लूड की है बीआईटीवी 5 ईयर गोल्ड मेंबरशिप में। आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। यस यस। लेकिन अभी इसमें डीप जाएंगे। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 5 ईयर का गोल्ड मेंबरशिप है, तो उसमें आपका सेशन आप कैसे कंडक्ट करोगे, मतलब मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली या ईयरली? इसमें हम जो सेशंस हैं वो हर महीने हो रहे हैं, इसमें हर महीने में एक सेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि साल में हर महीने जो है हम ऑनलाइन सेशन करेंगे सुबह 10 से 6, तो और उसमें दो महीने साल में ऐसे हैं जब हम फिजिकली मिल रहे हैं फाइव स्टार होटल में, तो वो दो महीने ऑनलाइन नहीं होंगे, फिर वो फिजिकल हो गए। फिर साल में एक महीना ऐसा है जब हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं किसी फाइव स्टार होटल में, तो तीन बार तो हम फिजिकल मिलेंगे और 9 बार हम ऑनलाइन मिलेंगे। इस प्रकार से साल के 12 महीने हमको एक अलग लेवल का नॉलेज जो है मिल ही रहा है, किसी महीने गैप नहीं। एवरी मंथ आई एम गेटिंग अ नॉलेज जो मुझे एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। हर महीने मेरे वीडियोस बन रहे हैं, इसके अलावा मेरा नेटवर्किंग प्रोग्राम चल रहा है। दैट्स हाउ इट इज। तो नेटवर्किंग एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, नेटवर्किंग प्रोग्राम जो है इसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अब मैंने बोला कि हम आपको बहुत सारा नॉलेज दे देंगे, तो बहुत सारा नॉलेज दे देंगे, वो नॉलेज भी आपके लिए किसी काम का नहीं है अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि एक सैनिक है, आपने उसके पास में दुनिया की सबसे बड़ी गन मशीन दे दी, दुनिया की, वो मारेगा धड़ 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 सब मर जाएंगे। आपने सैनिक को वो दे दी, लेकिन वो सैनिक मरा हुआ है, तो क्या वो गन मशीन किसी काम की है? नहीं, सैनिक मरा हुआ है, आपने दुनिया की सबसे बड़ी गन मशीन दे दी, उसकी दर 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 मारेगा सब मर जाएंगे। अरे लेकिन वो मरा हुआ है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो क्या वो गन मशीन किसी काम की है? उसी प्रकार से एक फाइनेंशियल एडवाइजर में, एक बिजनेस ओनर में ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो फिजिकल प्रोग्राम्स हैं, आपने बोला कि ये जो फिजिकल प्रोग्राम है, नेटवर्किंग प्रोग्राम है, ये नेटवर्किंग प्रोग्राम से हमें ऊर्जा मिलती है। अब मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूँ, आप मल्टीपल टीओटी का, मुझे आपकी ऊर्जा मिल रही है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक दूसरे को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। ये ऊर्जा जो है, अब मेरा जो नॉलेज है वो मेरे काम आएगा, क्योंकि मैं इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेटवर्किंग प्रोग्राम में जाना, सक्सेसफुल लोगों के साथ में गैदरिंग करना, ये ऊर्जा देता है। नॉलेज तो देता ही है, नॉलेज भी देता है, मोटिवेशन भी देता है, लेकिन एक ऐसी स्पिरिचुअल ऊर्जा मुझे मिलती है जो मुझे आगे बढ़ाने का काम करती है, जो मुझे आगे बढ़ा। और इसलिए ये फिजिकल प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रश्न का उत्तर कि ये कैसे मदद करेगा, तो मुझे ऊर्जा देने का काम करेगा। आपने बताया फिजिकल मिलना बहुत जरूरी है, तो मतलब उसके पहले आपके बातों में आपने जिक्र किया कि रेसिडेंशियल एक प्रोग्राम होगा, दो आप फाइव स्टार होटल में आप कहीं लोकेशन पे करोगे और एक रेसिडेंशियल होगा, तो रेसिडेंशियल का फायदा कैसे यहाँ पे मिलेगा आपको? ये देखिए क्या होगा, किसी एडवाइजर को, करेक्ट, तो वो पर्टिकुलरली कोई
एक जगह पे होगा या अलग अलग जगह पे रेसिडेंशियल? नहीं, हर बार रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम अलग अलग जगह पे ही करते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने हैदराबाद में किया, उसके पहले हमने लोनावला में किया, अभी फिलहाल हमने दिल्ली में किया, तो हम अलग अलग जगह पे करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि वन डे प्रोग्राम तो कर रहे हैं वो ठीक है, वहाँ पे फिजिकली तो मिल लिए, लेकिन रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने का क्या अलग से फायदा है? देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ की, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी ये रिमोट मैंने उठाया है, इस प्रकार से पकड़ा है तो मेरे हाथ को पेन नहीं हो रहा है, मेरे हाथ का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं थोड़े ज़्यादा समय के लिए रख दूँ, थोड़ा आधे घंटे के लिए इस प्रकार से रख दूँ तो मेरे हाथ का एक्सरसाइज होगा। किसी भी चीज़ की थोड़ी अति होना जो है ना वो हमें रिजल्ट देता है। अब मैं खाली एक बार ऐसे करूं तो मेरे डंबल्स नहीं बनेंगे, मुझे 50 बार करूंगा तब जाके मेरे जो है बाइसेप्स बनेंगे। तो किसी भी चीज़ की अति जो है ना, थोड़ी अति, वो मुझे एक्चुअल रिजल्ट देती है। तो वन डे प्रोग्राम करते हैं उसका कुछ फ़ायदा है, लेकिन रेसिडेंशियल प्रोग्राम जब हम करते हैं, जब हम 2-3 दिन साथ में रहते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ अलग लेवल पे आता है। यहाँ पे एक मेरी विचार आ रहा है कि रेसिडेंशियल जो करोगे आप प्रोग्राम, तो उसमें पर्टिकुलरली कोई स्पॉट आप सिलेक्ट करोगे, तो ऑल ओवर इंडिया से बीआईटीवी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको मतलब वहीं पे गैदरिंग करके आप जैसे हैदराबाद में आपने प्रोग्राम किया, दिल्ली में किया, तो वैसे ही करोगे? वैसे ही, जो दिल्ली में प्रोग्राम किया वो वन डे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जो हैदराबाद में किया वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फॉर्मेट है, उसमें हम 2-3 दिन एक होटल में स्टे करते हैं, रहते हैं, और 3 दिन के लिए हमारा होटल हॉल बुक रहता है, होटल बुक रहता है, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो 3 दिन जब हम साथ में रहते हैं तो आपकी जितनी ऊर्जा है सक्सेसफुल, मैं मुझे ये लाइक माइंडेड व्यक्ति लगा तो मैं इन्हीं के साथ में रहूँगा, या फिर और कोई लगा तो इनकी ऊर्जा जो है ना मैं पूरी अच्छे से निचोड़ के 3 दिन के बाद लेके आता हूँ। लगता है कि इस प्रोग्राम से एक दूसरे के थॉट प्रोसेस या जिस हिसाब से वे ऑफ वर्किंग है वो भी एक्सचेंज होगी वहाँ पे, तो और भी मैं बोलूँ कि वन डे प्रोग्राम में नो डाउट आप एक ऊर्जा लेके आते हो, लेकिन रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आप एक डिफरेंट व्यक्ति बन के आ जाते हो। रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आप एक डिफरेंट व्यक्ति बन के आ जाते हो। या सर आपके मन में कोई प्रश्न? मेरे मन में आ रहा है कि ओनरशिप ऑफ मिलियनेयर क्लब कैसे फायदेमंद रहेगा सर? हमने ये बहुत अलग चीज़ बनाई है। मैं अभी समीर मेहता जी से बात कर रहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लोगों की नज़र में आना है, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंटली काम करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंटली काम करना पड़ेगा। मैं इनको बोल रहा था जैसे कि अब आपकी 10 ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, 10 ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, उसमें एक नया बॉडी बिल्डर आ जाता है, उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। 10 बॉडी बिल्डर हैं, उसमें एक नया बॉडी बिल्डर आ जाता है, उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। उसकी बॉडी अच्छी है बट उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक बहुत कम बॉडी का व्यक्ति आ जाता है, लेकिन वो गाना जो है ना अच्छा गाता है, गाना अच्छा गाता है, ध्यान से सुनिए, गाना अच्छा गाता है, बॉडी बिल्डर है लेकिन कम बॉडी है, ज़्यादा नहीं है, बट गाना बहुत अच्छा गाता है। आप गौर करेंगे उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, क्योंकि वो गाना गा रहा है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ कर रहा है। बॉडी देख के तो सब वैसे भी ठीक है यार, बट ही सिंगिंग, भले बहुत अच्छा सिंगर नहीं है, कहीं से रिजेक्टेड सिंगर होगा, लेकिन वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी बिकॉज ही इज डिफरेंट। तो डिफरेंट होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप बोल रहे थे कि मिलियनेयर क्लब जो है ये बहुत अलग चीज़ है, ये कभी किसी ने इतना आउट ऑफ द वे जाकर एक ऐसा टूल नहीं क्रिएट किया होगा, ये एक्चुअली एक कम्युनिटी है। मिलियनेयर क्लब जो है ये हमने एक डिज़ाइन किया है फॉर द पर्पस के फाइनेंशियल एडवाइज़र को नेटवर्किंग करने का मौका मिले। तो हमने एक द मिलियनेयर क्लब एक कम्युनिटी बनाई है जो कि सोशल सर्विस का काम करती है, सोशल सर्विस का काम करती है, और इस कम्युनिटी में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। अब क्यों आएंगे? तो हम मिलियन, फॉर एग्जाम्पल यू, आपको हमने मिलियनेयर क्लब का ओनर बना दिया, आप अपना एक फ्रेंचाइजी दे दिया आपको, नाउ यू कैन रन अ मिलियनेयर क्लब। आपके पास में वो व्यक्ति क्यों आएगा जो 50 लाख से ज़्यादा कमाता है? तो आप उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाओगे कि भाई आपकी लाइफ जर्नी आप आके बोलिए। इट्स लाइक अ जो स्टॉक, जैसे जो स्टॉक में बड़े बड़े लोग जाते हैं अपना अपनी लाइफ जर्नी के, यू आर, इट्स लाइक आपका वन पार्ट ऑफ द जो स्टॉक। मिलियनेयर आएगा आपके पास में अपनी लाइफ जर्नी को बताने के लिए, और वहाँ पर आपके मिलियनेयर क्लब का वो हिस्सा बन सकता है, उसको कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर सारे मिलियनेयर्स लोगों का वो ग्रुप है, वो इसीलिए आपके वो आएगा
तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताने आएगा, लेकिन आपके क्लब में इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि वो ग्रुप जो है वो मिलीनियर्स का ग्रुप है, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोग जो है उस क्लब के मेंबर हैं। तो वो इसीलिए आएगा क्योंकि उसको लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप मिल जाता है, उसको रिच लोगों का ग्रुप मिल जाता है। और ये जो ग्रुप की मीटिंग जो है ना, हर 15 दिन में एक बार होती है। हर 15 दिन में एक बार आप वो कमेटी कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे एक सक्सेसफुल आदमी आता है और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताता है, सब लोग उसकी लाइफ जर्नी को सुनते हैं। आप समझ रहे हैं कैसे मिलीनियर क्लब आपके साथ में जो है, और आपका हर वीडियो जो बनता है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करता है। वो क्यों एडवर्टाइजमेंट करेगा? वो व्यक्ति जो 50 लाख से ज्यादा कमाता है वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लेकिन उसके एंड में आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, साथ साथ में हो रहा है। ग्रेट, तो कैसे? और फिर उसका वीडियो देखकर और दूसरे मिलीनियर्स जो हैं वो आपको फोन करते हैं, बिकॉज शायद आप उनका वीडियो बनाने का भी अपॉर्चुनिटी दें यहाँ पे। राइट, दैट्स हाउ दिस मिलीनियर क्लब, जिसमें, और देखिए एक चीज नवीन चंद जी आप गौर कीजिए, बिकॉज इट्स ए सोशल ग्रुप, इट्स ए सोशल ग्रुप। अब BNI नाम की एक संस्था है, आपने सुना होगा नाम, BNI नाम की एक संस्था है, यहाँ पर लोग बिजनेस लेने के लिए आते हैं। ये ग्रुप क्या है? बिजनेस लेने। लेकिन रोटरी क्लब नाम की एक संस्था है, या जीतो नाम की एक संस्था है, जहाँ पे लोग बिजनेस लेने नहीं आते हैं, डोनेशन करने आते हैं, दान करने आते हैं। ये जो संस्था है द मिलीनियर क्लब, यहाँ पे कोई बिजनेस लेने नहीं आता है, यहाँ पे डोनेशन करने आते हैं। ये एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए कि मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है, उस कंपनी का जो फ्रेंचाइजी है, वो BNI को जाके जुड़ता है बिजनेस लेने के लिए। लेकिन मोतीलाल ओसवाल कंपनी का जो ओनर है वो जीतो ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि वहाँ पे देना है। तो जहाँ पे देना होता है वहाँ पे मिलियनर्स लोग आते हैं, और जहाँ पे लेना होता है वहाँ पे स्ट्रगलर्स लोग जाते हैं। तो द मिलियनर क्लब जो है ये रिच लोगों का क्लब है, क्योंकि यहाँ पे लोग देने के लिए आते हैं, यहाँ पे बिजनेस नहीं होता है। एंड दैट्स हाउ यू गेट कनेक्ट विथ रिच पीपल, द मिलियनर क्लब। आपके समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये एक आउट ऑफ दी वे, मैंने बोला ना आपको कि आपको अगर रिकॉग्निशन चाहिए, आपको लोगों की नजर में आना है, तो आपको कुछ ऐसे आउट ऑफ दी वे जाके चीजें करनी है जो कि लोगों की समझ से परे हो, एंड दैट्स व्हाई यू गेट रिकॉग्निशन, और आप जो है फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। लोग सुनते रहते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज समथिंग लाइक। बहुत बढ़िया बात बोली। मुझे एक मन में सवाल ये आ रहा है कि पूरे पैकेज की एक्चुअल कीमत क्या है सर? इतना बढ़िया आप सब देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कवर करें, 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो इसकी प्राइस क्या है? देखिए नवीन चंद जी, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो हमने पैकेज बनाया है, इसके अंदर आई डोंट नो कितनी गहराई तक एक हमारे ऑडियंस को या आपको समझ में आया कि ये क्या काम कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी शायद ना समझ में आया हो, शायद आ भी गया हो कि ये मुझे क्या लेवल तक लेके जाने का काम कर रहा है। 5 साल की इसकी जो मेंबरशिप है, इसकी फीस हमने 15 लाख रुपीज रखी है। फीस इज 15 लाख रुपीज। नवीन चंद जी, आपके प्रश्न का उत्तर है सर। लेकिन अभी यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे नवीन जी ने अभी बताया कि मेंबरशिप की प्राइस क्या होगी, लेकिन उसके पहले एक अहम मुद्दा ऐसा है कि कितने लोगों को आप कवर करोगे, या मतलब एक सेशन में, एक मीटिंग या कोई भी आपका सेशन है तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितने रहेंगे? नहीं देखिए, गोल्ड मेंबरशिप जो है ये हजारों लोगों के लिए नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस नॉट फॉर 1000 पीपल। गोल्ड मेंबरशिप इज ओनली फॉर 100 पीपल। 100 लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो विजनरी है, जो बड़ी सोच के लोग हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हैं कि मैं हर महीने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं हर महीने जो है सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक दुनिया की सबसे यू नो इम्पॉर्टेंट बुक्स का नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, मैं साल में 2 बार फिजिकली मिल रहा हूँ 5-star होटल, दिस ऑल आर समथिंग आउट ऑफ द, और मैंने अपने आप को कमिट कर दिया अगले 5 साल के लिए। ओके, ये आउट ऑफ दीजिए, इसीलिए हमने हजारों लोगों के लिए पैकेज नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द 100 पीपल फ्रॉम द कंट्री। ओके, तो मतलब सिर्फ 100 रहेगा और उसके बाद सेशन क्लोज रहेगा, या 100 का बैच आप रिपीट करोगे? नहीं, ये 5 साल हम गोल्ड मेंबर्स के साथ ही काम करेंगे। ओके, या या 5 साल जो है हम गोल्ड मेंबर्स के साथ काम करेंगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, BITV से जुड़ेंगे, तो उसको आप एक पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा। यस यस, और उसके माध्यम से उसका जो लेवल है डे बाय डे इंक्रीज होता है। एब्सोल्युटली 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 ग्रेट सर, तो ये बहुत अच्छा थॉट है कि गोल्ड मेंबरशिप, और आज तक सही में किसी ने ऐसा नहीं सोचा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं सोचा है, नहीं सोचा है, नहीं सोचा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, देखिए
नवीन चंद जी, ये सब सोचने के लिए तो एक डेयरिंग की जरूरत है, सोचने के लिए भी ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला, ये सोचने के लिए डेयरिंग की जरूरत है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डबल डेयरिंग चाहिए, 10 गुना डेयरिंग की जरूरत है। और ये तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, रेसिडेंशियल प्रोग्राम पिछले 2 सालों से हम कर रहे हैं, वन डे प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ तो हजारों इंटरव्यूज़ हमने ले लिए, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अभी एक नया फैक्टर और जोड़ दिया, जो कि हमने सोचा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ करनी है, वो मिलेनियर क्लब का कॉन्सेप्ट है, वो हमने इसमें जोड़ दी। बाकी सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। या तो जैसे मेंबरशिप आती जाएगी, तो जब 15 लाख रुपया मेरे को देना है, तो मैं ये सोचूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो मेरे को कुछ डिस्काउंट भी तो मिलना चाहिए। या नहीं, एब्सोल्युटली कुछ ऐसा अर्ली बर्ड वगैरह कुछ ऐसा रखा हुआ या सोचा हुआ है? या था, ये जो पैकेज है गोल्ड पैकेज है, इसमें हमने एक अर्ली बर्ड ऑफर भी रखा हुआ है। देखिए कि 100 जनों को हमने लेना है, अगर पहले 25 लोग जो होंगे, पहले 25 लोगों को ये 15 लाख का पैकेज जो है हम 12 लाख रुपए में दे देंगे। Okay. 12 लाख में दे देंगे। नहीं सिर्फ इतना, ये 12 लाख पे करने के लिए हमने सुविधा रख दी है कि 12 लाख को आप 60 EMI में, मंथली EMI में आप हमें दे सकते हैं। यानी कि आप 20,000 रुपया महीने आप हमें दीजिए, 20,000 रुपया देते हैं, अगले 60 जीरो इंटरेस्ट पे, जीरो इंटरेस्ट, ठीक है। और पहले 10 लोगों के लिए भी हमने ऑफर रखा है, ये तो मैंने 25 लोगों के लिए बताया। नवीन चंद जी, पहले 10 लोगों के लिए ऑफर रखा है कि 12 लाख की जगह आप हमें सिर्फ 9 लाख दीजिए और 60 EMI में आप हमें पैसा दीजिए। 60 EMI 15 में से 12 पे आए और 12 में से 9 पे आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पहले 10 लोगों के लिए है। तो उसके लिए कोई डेडलाइन? 10 लोग हो गए खत्म, आज ही हो गए तो आज खत्म। बहुत शॉर्ट टाइम लिया, मिनिमम डेस्ट रहना चाहिए सर। तो और पहले 5 लोगों के लिए भी ऑफर है, ध्यान दीजिए। अच्छा, जो हमने बताया नेशनल मेगा माइंड शो बताया हमने, नेशनल मेगा माइंड शो जो कि हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और मिलियनेयर क्लब की ओनरशिप है, ये ऑफर जो है ये हम पहले 5 लोगों को ही दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिलियनेयर क्लब की मेंबरशिप का प्राइस अलग है, जो मैंने आपको बताया उसका अलग है, लेकिन पहले 5 लोगों को हम नेशनल मेगा माइंड शो भी फ्री में दे रहे हैं, इसी पैकेज में दे रहे हैं, और मिलियनेयर क्लब की मेंबरशिप भी फ्री में दे रहे हैं, लेकिन पहले 5 लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, जिसमें से 3 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने लॉन्च किया और 3 लोगों ने हमें पेमेंट दे दी। 15,000 के EMI तो है, लेकिन लास्ट के 2 साल, जो 5 साल की मेंबरशिप है, लास्ट के 2 साल का EMI हमने वेव ऑफ कर दिया। ये सिर्फ पहले 5 लोगों के लिए, इसमें से 3 लोग ऑलरेडी, 3 लोग हो गए, उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया है। तो पहले 5 लोग, जिसके लिए 2 लोग बचे हैं, उनको लास्ट का जो 2 साल का EMI है वो हमने वेव ऑफ कर दिया, ठीक है। मतलब उसकी कॉस्ट क्या है? करीबन आई थिंक 5 लाख रुपए तक आई, 5.5 लाख रुपए आई, उसमें सारा चीज कवर दे रहे हैं, उसको हमने एडिशनल दे दिया। नेशनल मेगा माइंड शो हम अगले 5 साल तक फ्री रहेगा, मतलब कि जो लोग 5 के ऊपर हैं उनको नेशनल मेगा माइंड शो फ्री नहीं है, द मिलियनेयर क्लब की मेंबरशिप फ्री नहीं है उनको। जो मैंने 3 चीज बताई, हर महीने सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन प्रोग्राम, उनको हर महीने का एक वीडियो है, और 2 फिजिकल प्रोग्राम इन ईयर, 1 डे प्रोग्राम, ये पूरा पैकेज में आता है। लेकिन नेशनल मेगा माइंड शो के लिए अलग से उनको पेमेंट करना है, और मिलियनेयर क्लब की मेंबरशिप के लिए अलग से। मिलियनेयर क्लब में क्या होता है कि हर महीने आपको एक वीडियो एक मिलियनेयर्स का फ्री में बनके मिलता है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता है। एक्चुअली वो मिलियनेयर, वो बंदा 50 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो अपना इंटरव्यू देने, हो सकता है कि वो 10 करोड़ रुपये कमाता हो साल का, वो व्यक्ति अपना इंटरव्यू देगा, उसका वीडियो बनेगा, वो अपने वीडियो को वायरल करेगा, लेकिन आप कितने फेमस हो रहे हो। तो 100 लोग ही हम इसमें लेने वाले हैं, और पहले 5 लोग जो हैं वो इसीलिए उनके लिए इतना बड़ा हमने डिस्काउंट रखा है, बिकॉज दे गिव मोटिवेशन टू अदर पीपल, दे गिव मोटिवेशन। नो, स्टार्टअप के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, बाकी बाद में तो कारवा बन जाता है, लाखों लोग जुड़ जाते हैं, बट वो पहला 2 स्टेप लेना, जो उसके लिए एक ताकत चाहिए, वो ताकत कौन लेगा, वो शक्ति कौन करेगा, वो हिम्मत कौन लेगा, इसीलिए उनको इतना बड़ा डिस्काउंट दिया, उन पर हम खर्चा कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ, मतलब ये कहना है कि आपका कि कहीं ना कहीं लाइफ में एक रिस्क लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। यस, एग्जैक्टली। तो मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि किसे और किस सोच के साथ कुल मेंबरशिप को लेना चाहिए?
देखिए इसमें जो सोच है, अगर मुझे इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक कुएं में कर रहा हूँ, भले मैं टीओटी हूँ, मैं एक कुएं में रह के जो है काम कर रहा हूँ, अगर मुझे इस कुएं से बाहर निकलना है, इस वक्त वो कुआं ही मेरे लिए समुंदर है, लेकिन लेकिन अगर मेरे मन में ये प्रश्न है कि यार मुझे इस समुंदर के बाहर का जो बड़ा समुंदर है मुझे वो देखना है, अगर ऐसी मेरी सोच है तो उस व्यक्ति को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके अलावा आप मुझे बताइए, कोई जो चीज़ें मैंने बताई है, क्या भारत देश में कोई व्यक्ति है जो इस लेवल पे जाकर एक फाइनेंशियल एडवाइजर का हाथ पकड़ने की बात कर रहा है? सर सबसे अच्छा सा पॉइंट, तो एक मिनट, आपके प्रश्न का उत्तर, अगर किसी के मन में ये सोच है कि मुझे एक बड़ा जंप करना है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल किसी के लिए नहीं है, उसको आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें एड ऑन है, जो कि हालांकि सर ने जो प्रश्न पूछा उसी में, कि क्योंकि यहाँ पे एज ए एडवाइजर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मिलियनर के साथ में इंटरव्यू के माध्यम से मेरे को बातचीत करने का मौका मिला, जो मेरे शायद लाइफ में मैं ढूंढता रहूंगा, फिर भी मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। Absolutely. ये शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब एक बहुत अच्छा सा आपने पैकेज दे दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने बातों में ये भी कवर किया कि भाई इंटरव्यू से मेरे को क्या फायदा, लेकिन मैं इससे और डीप में जानना चाहूंगा कि ये जो मिलियनर के साथ में हम लोग इंटरव्यू करेंगे, तो और डीप में और मेरे को क्या जानकारी मिल सकती है जिसके मेरे बिजनेस में भी अफेक्ट करेगा और मेरी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट कर सकता है। सर देखिए ये जो पूरा पैकेज, नहीं देखिए समीर जी, ये जो पूरा पैकेज मैंने बताया, इसमें एक तो वो बंदा जो हमारे साथ में जुड़ेगा, जो गोल्ड मेंबर बनेगा, उसका भी हम हर महीने इंटरव्यू लेंगे। ओके। और अगर वो पहले पांच में आता है तो मिलियनर क्लब की मेंबरशिप मिली उसको, और मिलियनर क्लब की मेंबरशिप अगर पांच में नहीं भी आता है तो ही कैन गो फॉर दैट, वो उसको बाय कर सकता है। अब मिलियनर क्लब की मेंबरशिप के द्वारा मैं मिलियनर्स का इंटरव्यू लूंगा, मतलब उनका वीडियो बनेगा जो मेरी एडवर्टाइजमेंट करेगा। इसमें दो इंटरव्यू हुए, एक तो मेरा हो रहा है, हर महीने इंटरव्यू हो रहा है मेरा। अब वो इंटरव्यू जब मेरा वीडियो बन के लोगों के सामने आता है या पब्लिश होता है, तो इससे क्या होता है, लोगों की नज़र में मेरी विजिबिलिटी बढ़ी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ रही है, नंबर वन। वो होना बहुत जरूरी है, विजिबिलिटी का बढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, लोगों के माइंड में ये आता है कि ये सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्योंकि मेरे वीडियो बन रहे हैं, मैं लोगों को दिख रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ। और सक्सेसफुल लोग जो है ना, वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस। सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलना चाहता है, उसको टाइम देगा, वो उसी को टाइम देना चाहता है, और किसी के लिए टाइम नहीं है उसके पास, इज अ बिजी पर्सन। लेकिन बिजी व्यक्ति के पास समय है सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, और वो सक्सेसफुल लोगों के साथ में ही काम करना चाहता है। दैट इज द पावर ऑफ यू नो इंटरव्यू वीडियो। तो वो क्या करता है कि मुझे एक मैग्नेट बना देता है, मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति दिखा देता है, एंड आई बिकम अ मैग्नेट। और मैग्नेट क्या करता है, लोगों को खींचने का काम करता है। दैट इज़ द पावर ऑफ मेकिंग। मेरे वीडियोस जब बनते हैं, मैं मैग्नेट बनना शुरू हो जाता हूं। और नंबर टू, मिलियनर्स लोगों को जब मैं इनवाइट करता हूं, तो वो मेरे पास में आते हैं, नहीं तो आप उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको टाइम नहीं देंगे वो। बराबर है, आपने बहुत सही फरमाया कि उनके लिए टाइम, उनका टाइम लेना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात। अब जब ये फॉर्मेट चलेगा, दे विल कॉल यू 10 times। Yes. अरे सर कब आना है, व्हेन आर यू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आपके पास लाइन लगी होगी आपके पास में आकर इंटरव्यू देने वालों की। आज जो स्टॉक में जो है वो कई सारे लोग लाइन लगाते हैं दुनिया भर से कि हमारा भी इंटरव्यू ले लो। सेम थिंग हैपेंस विद अस बीएटीवी, यू नो। सो दैट्स वेयर ये जो सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हीं को हमने एक पैकेज में बना दिया है जो एक्चुअल काम कर रही है। दैट्स व्हाट इट इज। इससे बढ़िया रास्ता पूरे भारत देश में, इसलिए डेयरिंग ही नहीं की ऐसा करने की। दैट्स व्हाट वी हैव टेकन अ डेयरिंग। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। ये आपने जो आइडिया लाई है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, सभी एडवाइजर को, सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट को, और इससे रिलेटेड लोगों को बहुत फायदा होगा। एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको, लोगों को मिलना जुलना और लोगों को बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं तो चाहूँगा इसमें वही लोग जुड़े जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं। अगर आप MDRT कर रहे हो, अगर आपके
मन में है कि मुझे COT करना है तो आप जुड़िए, अगर आपको MDRT रहना है तो मत जुड़िए इसमें। अगर आपको COT कर रहे हो और आपको TOT करने की इच्छा है कि TOT तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन यही एक माध्यम है जिसके साथ आप TOT करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप TOT कर रहे हो तो मल्टीपल TOT करना है तब आप जुड़िए, और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें सिर्फ रंजीत सर ही नहीं रहेंगे, उसके साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट बड़े MDRT, COT, TOT और टॉपर लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ जो इन्होंने बताया कि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो मिलेगा उसका जो बेनिफिट मिलेगा, और इन्होंने एक कॉम्बो पैकेज बना दिया है बहुत ही रीजनेबल रेट में, एक कॉम्बो पैकेज बना दिया है कि भाई बहुत बार हम सोचते एक जगह अटेंड कर लेते दूसरी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली हमें जुड़ते रहेंगे, और कोई भी कंटिन्यू एजुकेशन, कंटिन्यू ट्रेनिंग, क्योंकि कोई भी इतना प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो दे रहा है और कंटिन्यू दे रहा है ऐसी बहुत कम संस्था है, और उसमें से नंबर वन संस्था आज BITV बन गई है। तो मैं जितने भी इंश्योरेंस जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें जुड़िए, ये मौका है जो कम चार्जेस में जुड़ने का मौका मिल रहा है। बाद में इसका एंट्री मिलना शायद सर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है, और सभी एजेंट अजबीकर्ताओं को, सभी कंसल्टेंट को मैं बधाई देता हूँ। और आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसी तरह आप सुनते रहिए, इसी तरह आप उनका बेनिफिट लीजिए कि सर के पास जो आइडिया है वो सुपर आइडिया है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवीन जी आपके साथ मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि एक नए तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए और इंश्योरेंस अभिकर्ताओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो रंजीत जी ने BITV के माध्यम से आज हम लोग को एक मौका दिया है, तो हर एक को यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच BITV और रंजीत सर का कि आज हमें ये मौका मिला हुआ आपके साथ में बातचीत करने का। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन एक चीज़ मैं जस्ट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमने गोल्ड मेंबरशिप का, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हैं। तो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हो या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हो या हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हो या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहा है, उन सभी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सो एक बार फिर से नवीन चंद जी, समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और BITV गोल्ड मेंबरशिप को जो है आपके द्वारा हम अपने दर्शकों के सामने लेके आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।